हेलो सर, फिर से न्यू वीडियो में स्वागत है। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस एक्स क्यू। ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे और चार में से कौन हो इसका ऑब्जेक्टिव होने वाला। चलिए इसको शुरू करते हैं। आपको पता होगा लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, प्लस यहाँ पर क्या एक्स का क्यू। एक्स का क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x स्क्वायर। एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा वाई इक्वल टू एक्स पावर एन। इसके इसको डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, डी बाई डी एक्स एन एक्स पावर एन माइनस वन होता है। मतलब ऊपर में जो रहेगा उससे एक कम। यहाँ पे क्या है एक्स पावर थ्री, जो ऊपर में जो रहेगा उसको फास्ट में लिख दीजिए और उससे एक घटा के लिख दीजिए। आंसर को 1/x प्लस 3x स्क्वायर जो इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर इसका कौन वाला ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए इसका नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स 1/4 सेक 4x। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सेक 4x का आपको फॉर्मूला याद होगा, सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x। उसी तरह जब 1/4 मेरा क्या है कॉन्स्टेंट है, 1/4 कहाँ जाएगा बाहर आ जाएगा 1/4 इंटू यहाँ पर क्या है sec 4x। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x का sec x इंटू sec x इंटू क्या होता है 10x। अब बताइए x की जगह क्या है यहाँ पे 4x है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 4x हो जाएगा। फिर 4x का भी डिफरेंशिएशन होता है, 4x का डिफरेंशिएशन क्या होता है इंटू 4। फिर 4 मेरा क्या हो जाएगा कैंसिल, बचा क्या sec 4x इंटू 10 4x। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट सी नंबर जो ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन है वाई इक्वल 10 वर्स 2x है, देन फाइंड डी बाई डी एक्स। इसमें से चार में से कौन ऑप्शन होगा। 10 वर्सेस का आपको फॉर्मूला याद होगा, 10 वर्सेस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 10 वर्सेस का डिफरेंशिएशन होता है 10 वर्सेस का 1/1 + x2। आई होप आपको पता है। लेकिन क्वेश्चन मेरा क्या है 10/2x है, तो मेरा क्या होगा 1/1 + वहाँ जो रहा है यहाँ पर 2x है तो 2x का स्क्वायर, यानी 2x से क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा इंटू मेरा 10 वर्स का काम खत्म हो गया, बचा क्या 2x। 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2। जब इसको तोड़ेंगे तो 1/1 + क्या हो जाएगा 4x2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। यानी ऑप्शन नंबर इसका जो करेक्ट बी से क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है वाई इक्वल टू ax² प्लस बी देन dy/dx एट x = 2। इसी तरह का जो एग्जाम में बार बार इस तरह का ही क्वेश्चन बनता है। इसको सबसे पहले क्या करें dy/dx, dy/dx निकालने के लिए dy/dx निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, a है, a मेरा क्या है कॉन्स्टेंट है, क्या है x² प्लस b, जो a इंटू x² डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, और कॉन्स्टेंट टर्म क्या है b क्या है कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। यानी dy/dx का मेरा वैल्यू क्या निकला 2ax, और हमको क्या बैठाने बोला x जगह क्या बैठाने बोला है 2। x जगह अगर हम 2 बैठा देंगे 2 इंटू a इंटू क्या हो जाएगा 2, यानी दोनों गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 4a मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन में इसका कौन होगा, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन क्या, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट जो MCQ क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्या dy/dx e^x + cos 5x है, ये जो क्वेश्चन है इसको हम कैसे करेंगे। e^x का डिफरेंशिएशन आप आई होप आपको पता है, e^x का डिफरेंशिएशन क्या होता है e^x ही होता है प्लस क्या है cos 5x। cos 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos का क्या होता है -sin 5x होगा, यानी कोस का काम हो गया, बचा क्या 5x। 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा इंटू 5। इसको तब तोड़ेंगे 1/x -5 sin 5x। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। इसी तरह के जो MCQ क्वेश्चन से एग्जाम में बनता है बार बार, आई होप आपको समझ में आ गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।